नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को ज़रूर दबाइए। दोस्तों, रोशनी से भरे दिवाली को आने के लिए एक दिन बाकी है। दोस्तों, दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी को लोग प्रसन्न करने के लिए अलग अलग विधि विधान से पूजा और उपाय करते हैं। देवी लक्ष्मी की आराधना करते हैं और इस फल की कामना करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में पांच ऐसी वस्तुओं के बारे में बताऊंगा जो आप अगर अपने घर के मुख्य द्वार पर ये करते हैं तो माँ लक्ष्मी विशेषकर आपके घर में अवश्य ही आएंगी। दोस्तों, पांच वस्तुएं जो आप कहीं ना कहीं रखते हैं तो दिवाली के दिन वो विशेष जगह खासकर माँ लक्ष्मी को आमंत्रित करती है। दोस्तों, सबसे पहली वस्तु है फूल और कैंडल। दोस्तों, अपने घर के मुख्य द्वार पर दोस्तों किसी साफ बर्तन में जल भरकर कुछ फूल रख दें और फ्लोटिंग खुशबूदार कैंडल से सजाएं। ये उपाय दोस्तों आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर पर माँ लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य ही बनती है। दूसरी वस्तु है दोस्तों, आपके घर के मुख्य द्वार पर माँ लक्ष्मी के पद चिन्ह लगाएं। या ये लगाना बहुत ही अनिवार्य समझे दोस्तों। चांदी के पद चिन्ह ही लगाए जाते हैं। आप चांदी के नहीं हैं तो भी आप लगा सकते हैं, आपके हाथ से बना हुआ, या फिर आप स्टिकर भी लगा सकते हैं। इससे ध्यान देने वाली बात यह है कि अपने घर के माता के पद चिन्ह बनाएं, घर के अंदर की तरफ जाने चाहिए। इससे आपके घर में माता लक्ष्मी अवश्य ही आएगी। तीसरी वस्तु है दोस्तों, आपको दिवाली के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर तोरण जरूर लगाना चाहिए। तोरण लगाने से माता लक्ष्मी अधिक प्रसन्न होती हैं। अगर आप अपने घर के द्वार पर सिर्फ आम के पत्ते का तोरण लगाते हैं तो इसके साथ साथ आप डेकोरेटिव या आर्टिफिशियल सामान से बना तोरण भी लगा सकते हैं। तोरण आपके घर में आने वाली नकारात्मक ऊर्जा को रोकता है और सकारात्मकता को संचार करने के साथ ही माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए सजावट भी हो सकती है। चौथी वस्तु है दोस्तों कि कमल के आसन पर विराजमान लक्ष्मी जी आपके घर पर आई जाए। दोस्तों, दिवाली के दिन मूर्ति या आप तस्वीर लें तो माँ लक्ष्मी की कमल पर बैठे हुए की तस्वीर लें, या फिर आप गणेश जी के साथ विराजमान लक्ष्मी की तस्वीर लें। इससे दोस्तों पूजा करना शुभ रहता है और आपके घर पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। पांचवी और आखिरी वस्तु है दोस्तों, अपने घर के मुख्य द्वार पर आज के दिन आप स्वास्तिक बनाना बिल्कुल मत भूलिएगा। स्वास्तिक आपके घर से नकारात्मक ऊर्जाओं को हमेशा के लिए घर से बाहर रखता है। जब तक आपके घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बना रहेगा, कोई भी बुरी शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी और माता लक्ष्मी आपसे विशेष प्रसन्न होगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन पर दबाइए और अपने मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।